हाय फ्रेंड्स, आपका दोस्त वापस आपके सामने प्रस्तुत है एक बहुत बढ़िया झुंझुनू के फार्म में। ये फार्म राजस्थान के फार्मों का हीरा बोल सकते हैं सर आप। इतना सुंदर फार्म है और इस रविंद्र जी, मुझे पता चला कि आपके पास जो जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे एआई के हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के। हाँ जी। तो सर, ये जितने भी मुझे दिख रहे हैं ये क्या आपने बेचने के लिए हैं या किस? नहीं, इसमें कुछ तो कसी हैं। हाँ, बाकी फीमेल्स हैं जो मैं मेरे खुद के लिए तैयार कर रहा हूँ। ये सारी फीमेल्स आप अपने लिए तैयार कर रहे हैं? हाँ। तो जो आपने जो नई बिल्डिंग बता रहे थे वो सिर्फ आपके ही फार्म के हैं? हाँ।
हाँ वो सारे मेरे फार्म के हैं, ये भी गिल्ट्स हैं, इसमें कुछ कस्सी भी हैं, बाकी गिल्ट्स ही हैं। ये मुझे लग नहीं रहा कि ये इंडियन ब्रीड है सर, ये इसके थ्री वे क्रॉस है, ये टर्मिनल बोल बोल रहे हैं हम, तो मैं मुझे लगता है कि आप खुश नहीं होंगे बताते हुए कि इसका सोर्स क्या है, तो मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा मेरी सर। चलिए सर, ये ड्यूरोक है? बिल्कुल प्योर ब्रीड है, प्योर, बड़ा सुंदर ड्यूरोक है सर। भाइयों देखो ये होता है ड्यूरोक, ये डमी पे और नेचुरल दोनों मेटिंग पे है, इससे सीमन भी निकालते हैं और कभी जरूरत पड़े तो नेचुरल मेटिंग भी करते हैं। तो जो आपने डमी बताई अभी सर, डमी के दिखा सकते हैं हमें? डमी के जुगाड़ हैं कहीं, वो दिखाएंगे आपको अभी। और ये बच्चे अभी जो वीन हुए हैं, ये जो पीछे हैं वो बीमार बच्चे हैं, वो बीमार हैं, मेडिकल यूनिट, मेडिकल। और सर ये वाली जो है ये गिल्ट्स है, अभी इनको क्रॉस करवाएंगे। और सर ये वाले जो है इसमें मेल फीमेल दोनों ही हैं, ये सब बीन करे हुए बच्चे हैं? हाँ बीन किए हुए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा। सर ये आपने लोहे की जो, अपने दोस्तों को दिखाऊंगा, ये जो लोहे की जो टांग रखी है, क्यों टांग रखी सर? ये एक्चुअली बच्चों को थोड़ा सा स्ट्रेस से फ्री रखता है, तो अगर किसी की तबीयत ख़राब होती है, कोई किसी का मूड अच्छा नहीं होता, तो वो अपनी जो हरासमेंट है वो चैन के साथ निकालता है। अच्छा सर ये बोर्ड्स तो बड़े सुंदर लग रहे हैं सर, मतलब इनके टेस्टिकल जितने बढ़िया ग्रोथ है। ये दो टर्मिनल शायर के फोर वे क्रॉस है, दो टर्मिनल। हाँ सर ये सब आप जो बता रहे हैं तो ये तो आज तक इंडिया में किसी ने सुना ही नहीं होगा। ये भी है, ये भी वही है, फोर वे क्रॉस है। ये देखिए दोस्तों स्ट्रेस मैनेजमेंट इस फार्म का, भाई साहब बोर हो रहे थे तो चवाई चल रही है, और पास ले चलते हैं आपको। इसके अलावा हमने फोगर भी लगा रखे हैं जो गर्मियों में थोड़ा सा इनको, फोगर हैं ये आपने गर्मी के समर मैनेजमेंट के लिए कर रखा है। देखिए दोस्तों सब जगह फोगर्स लगे हुए हैं, हर बाड़े में स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए वो लगी हुई हैं चेने, ये फॉगर्स हैं, पूरा फार्म के अंदर फॉगर्स हैं। सर ये जो फार्म के अंदर आपने टंकी लगा रखी है, ये सर कैसे? ये एक्चुअली बाहर के टेम्परेचर से थोड़ा फ्लक्चुएट नहीं है, और जो भी शेड है उसका इंडिविजुअल पानी रहे, ताकि अपने को कोई भी मेडिसिन पानी के साथ में देनी हो तो वो हम यहाँ से इजीली दे सकते हैं। ओके सर।